करी तैयार है गाइस, अमेजिंग ऑसम। देखिए वाओ। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मटन लिया है, ये करीबन 700 ग्राम मटन है आप देख सकते हो। और बनाने के लिए हमने करीबन 5-6 प्याज लिया है, ओके। और इसमें हमने लिया है, ये है कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये है गरम मसाले, साबुत जीरा लिया है हमने, और ये है लाल मिर्च पाउडर तीखापन के लिए, हल्दी, और ये है अदरक लहसुन का अदरक लहसुन। और हम इसमें डालने वाले हैं आलू। सो हम आलू को हमने साफ कर लिया है, ये आलू है तो आलू को हमने काट लिया है, और हम आलू के साथ मटन को प्रिपेयर करने वाले हैं। आइए हम दिखाते हैं पूरा रेसिपी कैसा है, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम आलू को मैरिनेट करेंगे विद हल्दी, और इसको हम फ्राई करेंगे अपने पैन में, इसलिए हमने थोड़ा सा हल्दी लगा लिया है। पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम डालने वाले हैं रिफाइंड ऑयल, और जैसे तेल गर्म हो जाता है इसमें हम आलू को डालने वाले हैं पीस बाय पीस। आलू को हम साबुत ही डालेंगे, इसका छोटे छोटे पीसेस नहीं करेंगे, क्योंकि मटन में ये पूरा गल जाएगा और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उभर के आता है। हम इसलिए इसको फ्राई करते हैं बिकॉज इसका एक अलग ही टेक्सचर देता है और अलग ही फ्लेवर देता है। अब हमने लिया है साबुत जीरा, इस जीरे को हम बेसिकली मिक्सर में डालेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे, फाइन पेस्ट यहाँ पे डाल दिया हमने मिक्सी में। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको हम अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। आलू ऑलमोस्ट हो चुका है, शैलो फ्राई हो चुका है आलू, उसको निकाल देंगे। अब हमने उसी में प्याज डाले हैं, बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो मटन है तो मैंने करीबन 1 पाव प्याज लिया है इसमें, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के फ्राई किया है। अब हम डालने वाले अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे बारीक कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम इसको फाइन पेस्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसका फ्लेवर जो है पूरा उड़ जाता है अगर हम फाइन पेस्ट बनाते हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं जो जीरा हमने भून लिया था, तो उस जीरे के पेस्ट को हम इसमें डालने वाले हैं। मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है क्योंकि जो मटन है वो बेसिकली इसका टेस्ट जो है ये मसाले के ऊपर ही होता है। हम जितने अच्छे तरीके से मसाले को भूनेंगे उतना उसका स्वाद मटन में उभर के आता है। अब हम इसमें डालने वाले हैं हल्दी पाउडर, यहाँ पर हम करीबन 1 चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ किया है। ये है लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा तीखा होता है जो मटन में थोड़ा सा स्वाद लाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये पानी बेसिकली उसी जार में मैंने यूज़ किया है जिसमें मैंने जीरा को पीसा था, सो ताकि इसका जो जीरा वाला फ्लेवर जो है वो वेस्ट ना जाए। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे धीमी आँच पे, देखिए कलर कितना मज़ा आ रहा है इसमें। अब इसमें हम नॉर्मल वाटर डालने वाले हैं थोड़ा सा, ताकि जो मसाले हैं ये नीचे ना चिपके कढ़ाई के। अब थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पानी पूरा सूख चुका है इसका, देखिए कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन, ढक्कन लगाते थोड़ा सा पानी डालेंगे और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये निकल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, फिर लगा देंगे ढक्कन थोड़ी देर और। प्याज पूरी तरह से गल चुका है, मसाले पूरी तरह से पक चुका है, और तेल जो है आप देख रहे हो मसाले पूरा तेल छोड़ रहे हैं। अब टाइम आ गया हम मटन को डालने का। सो मटन को हमने वॉश कर लिया था पीस बाय पीस, हम इसको डालने वाले हैं मसाले के ऊपर। ये कलेजी है मेरा फेवरेट, सो मटन को हम डाल रहे हैं। मटन को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम इसको भूनेंगे अच्छे से। थोड़ी देर भूनने के बाद करीबन 5 से 6 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे खुली गैस, खुली कढ़ाई पे, और उसको हम ढक्कन लगा देंगे।
10 मिनट ढक्कन लगाने के बाद आप देखिए मटन कितना अच्छे से पानी छोड़ रहा है। बेसिकली इसका जो पानी है हमें इसको पूरा सुखाना है और अच्छे से मटन को भूनना है मसालों के साथ। जितना आप मटन को भूनोगे उतना ही उसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा होता है और मीट बेसिकली कैरमलाइज होना चाहिए। हल्का सा हम पानी डाल रहे हैं इसमें ताकि मीट जो है वो चिपके ना, और हमारा गैस का जो आँच है वो बहुत तेज़ है अभी फ़िलहाल। अब हम लगा देंगे ढक्कन 2 मिनट के लिए। तो उसे 3 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। देखिए मटन कैसे पानी छोड़ रहा है और प्याज तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है इसमें, मटन में पूरा मिक्स हो चुका है अच्छे से। इसको हम फिर थोड़ा सा गैस को आँच तेज़ कर देंगे और फिर हम अभी डालेंगे इसमें आलू। उसके बाद आलू के साथ मटन को अच्छे से भूनेंगे हम। देखिए मटन कितना अच्छे से भून रहा है। इसका जो कलर है आप देख सकते हो, पहले तो ये लाइट येलोइश था, फिर पिंकिश हो गया, अब ये थोड़ा सा ब्लैकिश हो रहा है। ये बेसिकली जब ये ब्लैकिश टर्न कर रहा है इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से भून चुका है मटन, ठीक है ना। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में, मन कर रहा है कि अभी खा जाए, लेकिन मटन अभी पका नहीं है, ये कच्चा ही है। तो इसको हम गैस को थोड़ा कम कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी करीबन मैंने 2 कप 2 से 3 कप पानी यूज़ किया है मैंने, और ये गरम मसाला है इसको मैंने पीस लिया था, और गरम मसाला का जो पेस्ट है पानी के साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ ग्रेवी में। गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालिए ताकि उसका फ्लेवर आए। अब हमने इसको ढक्कन लगा के बॉईल किया है करीबन 45 मिनट। 45 मिनट बाद हमने ढक्कन हटाते हैं। देखिए मटन किस अच्छे तरीके से पक चुका है मटन। वाह देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है, आलू तो बिल्कुल गल के ख़त्म हो चुका है। अब हमारा मटन जो है तैयार है सर्विंग के लिए। ये देखिए गाइस मटन कितना अच्छे दिख रहा है, इसका तेल पूरा ऊपर निकल चुका है और मटन कितने अच्छे से गल चुका है। वाह इसको हम एंजॉय करेंगे चावल के साथ और रोटी के साथ। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, इजी फूड फॉर लेजी पीपल। Till then, take care. Bye-bye.